नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, ये वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि के लोगों के जीवन में अब की बार बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेष राशि के लोगों के जीवन के सारी समस्याओं से, सारी के सारे दुख तकलीफों से, सारी के सारे कष्टों से, कई प्रकार के समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। मेष राशि के लोगों के जीवन में धन दौलत में बढ़ोतरी होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है, कई प्रकार की जरूरतों को भी आसानी से पूर्ण कर सकोगे, कई प्रकार की इच्छाओं को भी आसानी से पूर्ण कर सकोगे। परंतु इन सभी के बावजूद मेष राशि के लोगों के जीवन में कुछ ऐसे भी घटनाएं घटित होंगे जो आप लोगों के जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है, जो आप लोगों के जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे वक्त में आप लोगों को सावधान सतर्क को संभल कर रहने की जरूरत रहेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबसे विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। घर में आपका उत्सव हो सकता है, घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है, वर्ष के अंत तक बच्चों के तरफ से आपको खुशखबरी प्राप्त होंगी, मनचाहे जॉब मिल सकती है, इस समय आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट भी दोबारा मिल सकता है और अगले 3 दिनों के अंदर आपके तनाव में चल रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। नौकरी के लिए आपका जीवन वेतन में वृद्धि और प्रमोशन कर सकता है। मित्रों, हनुमान जी की कृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यों में मिली सफलता के कारण आपके उत्सव में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत जल्द बदलने वाली है। आप अपने जीवन में अपने विरोधियों पर भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही फलदायी रह सकता है। आपको पैसों से जुड़े कुछ नए अवसर मिल सकते हैं और कुछ बड़े रूप के कार्य को आप आसानी से सही समय पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको बेहतर कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे। अचानक से आपको कुछ बड़े रुके कार्य भी सही समय पर हो सकता है। आप जो भी कार्य अपने हाथों में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। आप लोगों को अपने कार्यों को निकलवाने में आप सफल होंगे। परिवार में आपका सुख शांति का माहौल रह सकता है। व्यापार व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हो सकता है। वर्षों से रुके हुए काम भी आसानी से होंगे। विदेशों से भी आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। दोस्तों की पूरी सहायता भी आपको मिलेंगी और आप अपने पिता के सहयोग से अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को मुनाफा हो सकता है। आप बिजनेस के क्षेत्र में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जीवन में धन लाभ की प्राप्ति कर सकोगे। भगवान शनिदेव का साथ प्राप्त होंगे। आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। परिवार के साथ माहौल आपका काफी अच्छा रह सकता है। आप अपने मानसिक उलझनों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी को प्राप्त करने के मौके प्राप्त होंगे। आपको विशेष रूप से अगर कहीं पैसे लगाने की योजना है तो आप अच्छी तरह से सोचे समझे तभी आप किसी जगह नए निवेश करें, अन्यथा आप इस समय निवेश को त्याग दें। मित्रों, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी सफलता हासिल होंगी। इसके साथ ही आपको धन लाभ के योग बेहद ही अच्छे बन रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है और परिवार के साथ आप अपने मानसिक उलझनों को कम कर सकते हैं। आपके जीवन में इस समय लंबे समय से परेशानियों से चली आ रही आपको छुटकारा मिल सकते हैं। आज के दिन मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है और आप किसी नए काम काजों को नए सिरे से करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ और काफी लाभकारी हो सकता है। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अविवाहित हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा से अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। विवाह के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। आपके विवाह करने के सपने भी साकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आप लोगों के ऊपर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेगा, जिनके कारण आपके घर परिवार में सुख शांति भरी माहौल रह सकता है। आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आपको किस्मत के बलबूते बड़ा धन लाभ मिल सकता है। आप अपने आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। धन के मामले में आपको किस्मत का पूरा सहयोग मिलने वाला है।
हनुमान जी की कृपा से आपको धन के मामलों में आपके किस्मत का पूरा सहयोग। तो मित्रों, मेष राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से आपका यह समय बहुत ही अच्छी अवधि को लाने वाला है। आप व्यापारी वर्ग भी वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए अलग जगह अलग छवि बना सकोगे और आपके जीवन में आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के लम्हों की प्राप्ति अवश्य होंगे। सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त करने का शुभ आपको संकेत मिल रहे हैं। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवार में शादी या बच्चे का जन्म हो सकता है। खेल प्रेमियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना नाम बनाने के और अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं उन सबों से छुटकारा पाने के बेहतरीन मौके भी आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के मौके भी अवश्य प्राप्त होंगे। माता रानी की कृपा से छात्र भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जोड़ों से संबंधित रोगों से जूझ रहे जातकों को भी इस समय अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होंगी। आपके कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। नए काम काज को संभालने के मौके भी प्राप्त होंगे जो आपके लिए आरामदायक हो सकता है। आपके जीवन में आपको खुशियां भी प्राप्त हो सकती हैं। आपके सोचने समझने और आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के विशेष मौके भी आपको प्राप्त होंगे। माता रानी की कृपा से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कई प्रकार की दुख तकलीफें समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके सुख समृद्धि के स्तर में बढ़ोतरी होंगे। आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होंगे, परंतु आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा व्याकुल या थोड़ा सा आपको परेशानदायक हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। दैनिक कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। व्यवसायिक संदर्भ में आपका यह समय उत्कृष्ट हो सकता है। आपके पास काम करने और नए लोगों से मिलने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मातृक संबंध भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, किंतु पारिवारिक कष्ट आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को प्रभावित कर सकता है। आपके जीवन में आपको थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप दोनों के विद में सुहाद्र बने रहने की विशेष जरूरत रहेंगे। आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार को भाग्यशाली बना सकता है। दूसरों के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर रखने की अवश्य कोशिश करें। आपके लोकप्रियता भी हासिल होंगे तथा आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली हैं। आप अभिजात वर्ग की पृष्ठभूमि की महिला से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आपको अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेंगे। आप सर्दी खांसी अस्थमा और आंखों की शिकायतों से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। आप अपने घाटों को रोकने के लिए अटकलों से दूर रहना आपके लिए काफी आवश्यक हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी आपका संतोषप्रद रह सकता है। मित्रों, मेष राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि माता रानी की कृपा से कानून लिंगांकन और अभ्यास करने वाले जातकों को अधिक सफलता प्राप्त होंगे। आपके लिए घर में और कार्यालय दोनों में आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, किंतु शुभ परिक्षेप में भी आपको काफी सुखद और अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होंगे। आपके सोचने समझने और आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के विशेष मौके भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आप किसी नए कामकाज में संलग्न हो सकते हैं। नए कामकाज को पूरा करने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त कर सकते हैं।